कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगी और ना ही मैं जल ग्रहण करूंगी जब तक मैं अपने इकलौते पुत्र को पुनर्दत्त को अपनी दृष्टि से देख नहीं लूंगी, कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। देखिए देवी, आप भोजन ना कर कर अपने शरीर का आघात कर रही हैं। आप निश्चिंत रहिए, कृष्ण पुनर्दत्त को लेने गया है और उसे अवश्य ही लेकर आएगा, चाहे यमराज के पास ही उसे लाना क्यों ना पड़े। देवी, कृष्ण अपने वचन का दृढ़ है, आप तनिक भी चिंता ना करें। कृष्ण, तुम्हें ले जाने आया। मैं आपसे नहीं जा पाऊंगा कृष्ण, अब आप भी यहाँ फंस गए कृष्ण। ना ही मैं फंसा हूँ और ना ही तुम्हें यहाँ फंसे रहने दूंगा। ले चलूंगा तुम्हें यहाँ से निकाल कर। यहाँ जो एक बार आता है वो वापस नहीं जा पाता कृष्ण, और यदि कोई जाने की चेष्टा करे तो उसके प्राण ले लिए जाते कृष्ण। जंबो, हमारी जीत सुनिश्चित और इस रणभूमि से जरासंध की घोषणा। अपने इस शंभू का रुद्राभिषेक, बस बस शंभू, यमुना का जल शीघ्र ही मथुरा की गलियों में घुसा दे। एक ओर से जल आक्रमण और दूसरी ओर से सैन्य आक्रमण। महाराज की जय हो। सूचना आ गई है महाराज। क्या स्थिति है? स्थिति चिंताजनक है। यमुना का जलस्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जरासंध उसी समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि मथुरा में बाढ़ का पानी कब घुसे और वो आक्रमण करे, इसलिए वो मथुरा की बाहरी सीमा पर आकर रुक गया है। यह उसकी सामरिक नीति भी हो सकती है महाराज। मेरे विचार से हमें सभासदों की आपातकालीन बैठक बुला लेनी चाहिए महाराज। इस विषम और अवश्यम भावी परिस्थिति से लड़ने के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। उत्तम विचार, सभा बुलाई जाए। कृष्ण का कुछ पता चला? अभी तक नहीं महाराज। हे प्रभु, अब क्या होगा? ना बलराम अब तक श्री परशुराम के हाथ से शिक्षा लेकर वापस लौटा है, और वो ना ही काना का कोई पता है अब तक। अकेले पिताश्री क्या करेंगे? भगवान करे सब मंगल हो और काना शीघ्र ही सकुशल वापस आ जाए। कृष्ण, अब हम सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हमें हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। सखा, हमें कुछ भी करके काना को संगों से निकालना होगा। हाँ, निकालना होगा। मथुरा भारी संकट में है।